फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या नरेशन की सीरीज का अगला पार्ट, जहां पर हमें ये देखना होगा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाए तो हमें क्या करना होगा। बट फ्रेंड्स, पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्या, इच्छात्मक वाक्य। और ऐसे वाक्य में क्या होता है कि हम अपनी इच्छा से किसी के लिए दुआ, किसी के लिए बददुआ या फिर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, या फिर कोई कहीं आ जा रहा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, विश करते हैं। जैसे हिंदी की बात करें तो हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। कोई मेरे पास है और मेरा पैर छुए तो मैं उसे आशीर्वाद देने के लिए ऐसा कहूँगा ना कि आपका जीवन बना रहे, या फिर आपकी उम्र लंबी हो, या फिर भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि भगवान आपको सफलता दे। तो ऐसी कंडीशन में क्या था कि मैंने किसी के लिए दुआ, बददुआ या फिर किसी को मैंने आशीर्वाद दिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको माइंड ये करना होगा कि इस तरीके के जो वाक्य होते हैं ना, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, मे से होती है। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, कोई मेरा पैर छुए तो मैं क्या बोलूँगा, मे यू गेट सक्सेस, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ मे यू लिव लॉन्ग। आप कहीं जा रहे हो तो मैं आपसे कह सकता हूँ क्या, मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी। तो फ्रेंड्स, क्या आपने माइंड किया कि हमारे हर एक सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से हो रही थी, मे से। और इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। बट फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि इनकी शुरुआत मे से नहीं होती, बट फिर भी हमें ये मान के चलना होगा कि इसकी शुरुआत मे से हो रही है। आप फ्रेंड्स, इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और इस लेसन को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ है, और अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर को जो सेंटेंस है ना, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, मे से हुई, और ऐसा तीनों ही सेंटेंस में किया गया है। और जब भी हमारे सेंटेंस की शुरुआत मे से होती है तो ये सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। यहाँ पर या तो किसी को आशीर्वाद दिया जाएगा, किसी के लिए दुआ या फिर बददुआ, या फिर किसी के लिए विश किया जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा। और ये तीनों एग्जांपल हमारे क्या हो गए, डायरेक्ट स्पीच हो गए। अब अगर इसे हमें इनडायरेक्ट करना होगा तो हमें कौन कौन सा रूल्स फॉलो करना होगा, किन बातों को ध्यान में रखना होगा, उन सारी बातों को आराम से समझिएगा। पहली बात तो ये कि हमें ये समझना होगा कि इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो क्या रहे हैं। प्रार्थना की जा रही है, किसी को विश किया जा रहा है, किसी को दुआ दी जा रही है या फिर बददुआ दी जा रही है। और जब इन बातों का आपको पता चल जाएगा तभी जाके आप सेंटेंस को बदल पाएंगे। तो माइंड कीजिए कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में किसी के लिए प्रार्थना की जा रही है तो हमें से को प्रे में, और किसी के लिए अगर हम विश कर रहे हैं तो हमें से को विश में। अगर हमने किसी को आशीर्वाद दिया है तो से को हमें ब्लस में, और अगर हमने किसी को बददुआ दे दी तो से को हमें कर्स में बदलना होगा। लेकिन अगर से लिख के आएगा तब आप वहाँ पर प्रे लिखोगे, ब्लस लिखोगे, कर्स लिखोगे, विश लिखोगे। लेकिन अगर वहाँ पर सैड लिख के आ जाएगा तो क्या करना होगा, उस कंडीशन में आपको सैड को प्रेड में, विश्ड में, ब्लस्ड में या फिर कर्स्ड में बदल देना होगा। अब इन बातों को ध्यान में रखकर इसको हम लोग इनडायरेक्ट करते हैं। तो पहला काम क्या करना होगा आपको फ्रेंड्स, कि आपको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मे यू लिव लॉन्ग, यानी ये मुझे आशीर्वाद दे रहा है। तो इस सेट को हटा दीजिए और यहाँ पर क्या लिख दीजिए, ब्लस्ड। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ही ब्लस्ड। और इस टू को भी हमें हटा देना है तो मुझे यहाँ पर पूरा क्या लिखना पड़ेगा, ही ब्लस्ड मी। और इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, दैट। इस दैट के ठीक बाद मुझे क्या रखना होगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट यहाँ पर कौन था हमारा, यू। और यू का रिलेशन किससे बन गया, मी से। और मी का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, आई। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में कभी देखा है कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में मे का यूज किया गया है तो उसे हमें माइट में बदल देना होगा। तो इस आई के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, माइट लिखना होगा। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है, फर्स्ट फॉर्म, जो कि क्या थे, लिव। और लिव के बाद हमें यहाँ पर क्या, लॉन्ग को कॉपी कर देना है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही ब्लस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, क्योंकि जीवन तो मेरा लंबा होगा, आशीर्वाद किसको मिला है, मुझे। तो यहाँ पर मुझे डैट के बाद क्या लिखना होगा, आई लिखना होगा। एक सेंटेंस और देखिएगा क्या लिखा है, सी सैड टू हिम, यानी कोई लड़की है जो किसी लड़के से कहती है और वो क्या कहती है कि मे यू गेट सक्सेस, यानी तुम्हें सफलता प्राप्त हो। यानी इसने इसके लिए कामना की है, यानी इसने विश किया है। और ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना होगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी करना है।
अब इस फैक्ट टू को हमें विस्ड में बदल देना होगा, डब्ल्यू आई एस एच ए डी। तो सेंटेंस क्या बनेगा देखते जाएगा, सी विस्ड और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर हिम। इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए मैंने यहाँ पर क्या यूज किया दैट, अब इस यू का रिलेशन किससे बन गया हिम से, और इसका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा ही, अली के बाद फिर से मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा माइट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए यानी गेट और उसके बाद सक्सेस को कॉपी कर दीजिए। तो हमारा सेंटेंस क्या बना कि सी विस्ड हिम दैट ही माइट गेट सक्सेस। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने और लिखा है और वो क्या लिखा है मैंने कि ही सेड मे गॉड सेव माय फादर्स लाइफ, यानी ये लड़का है जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरे पिताजी का जीवन बचाइए। अब इसको अगर मैं बनाता तो मैं क्या करता, सबसे पहले ही यानी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी करना ही था। अब सैड को हम किस में बदल देंगे प्रेम में, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा प्रेड लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सैड, तो क्या बोलेंगे मैं ही प्रेड, और इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए क्या लिखेंगे दैट, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा कौन है भगवान, क्योंकि जीवन बचाने का काम कौन करेगा भगवान करेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया गॉड, और गॉड के बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा माइट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि क्या थी सेव। अब देखिए इस माई का रिलेशन बनाते हैं तो माई का रिलेशन किससे बनेगा इस ही से, क्योंकि प्रार्थना वो लड़का कर रहा है और वो कहता है कि मे गॉड सेव माई फादर्स लाइफ, तो जीवन किसके पिता का बचेगा उसके, तो इस ही का जो अपना होगा यानी माई का जो रिलेशन ही से बना था तो ही का पजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा हिज, यहाँ पर क्या लिखेंगे हिज, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा फादर्स, फिर क्या लाइफ। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना ही प्रेड दैट गॉड माइट सेव हिज फादर्स लाइफ। आई होप फ्रेंड्स कि आपको बात सारी समझ में आ गई होगी, तो आप भी कुछ एग्जांपल लीजिए और उसको इनडायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, बट आपको सारे रूल्स दिमाग में बैठा कर ही इसको इनडायरेक्ट करना होगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।